नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के उपायों और संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की। इस बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों एवं छात्रों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का भी सुझाव दिया गया। पीएम मोदी संग बैठक में लगभग 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। झारखंड मौसम विभाग ने झारखंड के कई इलाकों में तेज हवा के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई है। वर्षा के दौरान वज्रपात होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रांची सहित कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो रही है। राज्य भर में 28 और 29 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। स्कूलों में किताबों की बिक्री हुई शुरू। खबरों के अनुसार राजधानी के विभिन्न स्कूलों में किताबों की बिक्री शुरू कर दी गई है। उपायुक्त ने राजधानी के 35 स्कूलों को पुस्तक बेचने की अनुमति दी है। स्कूलों में प्रत्येक दिन केवल एक ही कक्षा के पुस्तकों का वितरण करने, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर 2-2 मीटर पर घेरा बनाने व अभिभावक या बच्चों दोनों में से किसी एक को विद्यालय में प्रवेश देने की कहा है। झारखंड में 20 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो सभी रांची के हैं। रिपोर्ट के अनुसार हिंदपीढ़ी से 7 नए मामला आया है। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 83 से बढ़कर 103 हो गई है, जबकि 17 लोग ठीक और 3 लोग की मृत्यु हो चुकी। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 29,451 हो चुका है। प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा जवाब। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजे जाने का कोई प्रस्ताव है। कोर्ट ने सरकार से इस बारे में 1 सप्ताह का समय दिया है। मजदूरों को घर वापस भेजने की मांग करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि मजदूर बहुत परेशान हैं। जिन मजदूर का टेस्ट निगेटिव आया उन्हें वापस घर भेजा जा सकता है। रांची में CRPF की बटालियन तैनात। खबरों के अनुसार झारखंड के पुलिस महानिदेशक MB राव ने कहा कि इस महामारी पर कोई राजनीतिक न करे, अब पूरी शक्ति बरती जाएगी। कोई भी नियमों का उल्लंघन न करे, नियमों का पालन न करने वालों और समुदायों में वैमनस पैदा करने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि CRPF की तैनाती की जानी है, वहाँ राज्य पुलिस बल के जवान भी साथ में रहेंगे। रांची के हर रास्ते पर पुलिस और CCTV से निगरानी किया जाएगा। झारखंड में बढ़ सकता है लॉकडाउन। खबरों के अनुसार खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में अगर संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में नहीं रहती है तो लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी हो जाएगा। ऐसे में लॉकडाउन खत्म करने में कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में संक्रमण दूसरे राज्यों में आने वाले लोगों से फैला है, स्थानीय लोगों में संक्रमण की स्थिति नहीं के बराबर है। जामताड़ा जिला में भी मिला एक संक्रमित मरीज। जामताड़ा से पहली बार पॉजिटिव मामला सामने आया है। जामताड़ा जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है। आसपास की एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है। मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री चेक की जा रही है। 10 लाख बच्चे उठा रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल का लाभ। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजा जा रहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 10 लाख बच्चे इसका लाभ ले पा रहे हैं। हालांकि शेष 32 लाख बच्चे अभी इससे वंचित हैं, उन्हें भी जल्द मटेरियल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री को नहीं मिला बात करने का मौका। मजदूरों के लिए PM को लिखा पत्र। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम में एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोलने का मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर झारखंड से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों व छात्र छात्राओं को वापस लाने के सहयोग करने की बात कही। झारखंड को मिला 3,000 PPE किट। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए 3,000 PPE किट भेजे हैं, साथ ही संक्रमण जांच के लिए PCR और RNA किट भी भेजा है। फिलहाल झारखंड में जांच के लिए समुचित मात्रा में किट उपलब्ध है। झारखंड में 3 मई
तक नहीं खुलेंगे दुकानें। खबरों के अनुसार झारखंड में बढ़ते संक्रमण को देखकर हेमंत सरकार ने स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 2-3 दिन पहले दुकान खोलने का निर्णय दिया था, जिसे हेमंत सोरेन ने बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर बंद करने का निर्णय लिया है। रांची सदर अस्पताल का प्रसूति विभाग व लेबर रूम बंद। खबरों के अनुसार सदर अस्पताल में रविवार को प्रसव करा रही 5 अनुबंध नर्सों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दोबारा स्त्री एवं प्रसूति विभाग को बंद कर दिया गया है। अब गर्भवती महिला की डिलीवरी डोरंडा अस्पताल में कराया जाएगा। देवघर में दिल्ली से पुस्तक लदा ट्रक पहुंचते ही कर्मियों में हड़कंप मच गया। खबरों के अनुसार देवघर जिले के सरकारी विद्यालयों के लिए कल पुस्तक पहुंचा। संक्रमण के खतरा को लेकर पुस्तक उतारने से लेबर ने किया इनकार। समझा बुझाकर ट्रक को सैनिटाइज करने के बाद पुस्तक को उतारा गया। लोहरदगा जिला में हिंद पीढ़ी से पहुंचे 7 लोग। खबरों के अनुसार हिंद पीढ़ी से 7 लोगों ने पुलिस प्रशासन को चकमा देकर लोहरदगा तक पहुंच गए। ऐसे में लोहरदगा जिला के पुलिस कप्तान प्रियदर्शनी आलोक ने 3 थानेदारों का ट्रांसफर किया है। मुख्यमंत्री को सरजू राय ने कहा, केंद्र से करें 35,000 करोड़ की मांग। खबरों के अनुसार निर्दलीय विधायक सरजू राय ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि वे केंद्र सरकार से विशेष पैकेज के तौर पर राज्य की जीडीपी की 10% के बराबर राशि की मांग करें। उन्होंने कहा कि यह राशि 25 से 35 हज़ार करोड़ के आसपास होगी। सरजू राय ने पत्र लिखकर हेमंत सोरेन से कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को अपने स्रोतों के कुल 21,670 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान है। प्रवासी मजदूरों के सहायता हेतु बना मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप के माध्यम से मजदूरों को मिल रहा है लाभ। हालांकि कुछ मजदूरों का कहना है कि आधार वेरिफिकेशन होने के बाद भी सहायता राशि नहीं मिला है। मजदूरों का कहना है कि सरकार हमें कोई मदद नहीं दे रही है। वहीं कुछ मजदूरों ने हमें बताया कि उनके खाते में सहायता राशि पहुँच चुका है। साहिबगंज डीसी ने दिया निर्देश, डीलर समय से करे राशन का वितरण। खबरों के अनुसार डीसी वरुण रंजन ने बरेड प्रखंड का निरीक्षण किया। डीसी ने दाल भात केंद्रों तथा दीदी किचन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से राशन वितरण की जानकारी लेते हुए संक्रमण के प्रति जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान डीसी श्री रंजन ने हर जरूरतमंद व्यक्ति तक राशन पहुँचाने का निर्देश दिया। धनबाद जिला बना संक्रमण मुक्त। खबरों के अनुसार धनबाद जिला फिलहाल संक्रमण मुक्त हो गया है। यहां 2 पॉजिटिव पाए गए थे, दोनों मरीज निगेटिव हो गए। अब दोनों को अस्पताल से होम क्वारंटाइन पर भेज दिया गया है। फिलहाल आए दिनों से कोई मरीज नहीं मिला, यह धनबाद के लिए अच्छी खबर है। सरायकेला व खरसावां में प्रभु जगन्नाथ के रथ निर्माण के लिए शुरू हुई पूजा अर्चना। रविवार को अक्षय तृतीया के मौके पर विशेष पूजा अर्चना के साथ रथ निर्माण के लिए भी पूजा हुई। लॉकडाउन का कड़ाई से हो पालन। गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा, लॉकडाउन भंग की घटना जहां जहां हो रही है उन्हें तुरंत रोकने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हमें लॉकडाउन का लाभ मिला है, अन्य देशों की अपेक्षा भारत की स्थिति अच्छी है। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आवाजाही पर रोक लगाए केंद्र सरकार। खबरों के अनुसार लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच चुका है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को जांच करने और आवाजाही पर रोक लगाने को कहा है। झारखंड में युवा बने चिंता का विषय। खबरों के अनुसार इस संक्रमण के चपेट में झारखंड के ज़्यादातर युवा वर्ग ही आ रहे हैं। ऐसे में झारखंड के लिए चिंता का विषय बन चुका है। जमशेदपुर में स्कूली बच्चे चुन रहे हैं लकड़ी। खबरों के अनुसार लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हुआ तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन नहीं होने के कारण वे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा देने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान में फंसे मजदूरों ने राज्य सरकार से घर वापसी को लेकर गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि हेमंत सरकार हमें घर वापसी पर विशेष ध्यान दे। उनका कहना है कि घर वापसी के बाद सरकार जितना चाहे लॉकडाउन बढ़ाते रहे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।